नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज के दावों का सच सामने आया है। मामला आसाराम बापूजी से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से कहता आया है कि आसाराम बापूजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। सुदर्शन न्यूज कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है, पर हमारे उस दावे की हकीकत फिर सामने आई है, जिसमें हमने कहा था कि धर्मांतरण का खेल एक बार फिर बड़े स्तर पर खेला जाएगा। ऐसे ही एक बड़े षड्यंत्र का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे पता चले किस तरीके से इस धर्मांतरण के खेल को रचा जा रहा है। हिंदू और हिंदुत्व के साथ ईसाई मिशनरियों की तरफ से किया जाने वाला षड्यंत्र फिर सामने आया है। इस बड़े षड्यंत्र का खुलासा तब हुआ जब भारत के अंदर ही कई जगहों पर ईसाई मिशनरियों के जरिए छापे गए पर्चे और जोर शोर से बांटे जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अपराधी हिंदू संत आसाराम बापू जी जेल में बंद हैं, उनकी पूजा बंद करो, केवल यीशु की शरण में ही मुक्ति, आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपकी मुक्ति के लिए हमारे चर्च की प्रार्थना सभा में आइए। इस तरह के पर्चे देश के कई राज्यों में बांट कर बापू के साधकों को निशाना बनाने का षड्यंत्र जारी है। हाल ही में चर्च की तरफ से एक पंपलेट भी जारी की गई, जिसमें लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की शरण में आ जाओ, वो तुम्हें मुक्त कर देंगे। अपराधी हिंदू संत आसाराम बापू जेल में है, उनकी पूजा बंद करो, केवल प्रभु यीशु की शरण में ही मुक्ति, आपके कष्टों के लिए, आपकी मुक्ति के लिए हमारे चर्च की प्रार्थना में आइए। इस प्रकार भारत के महान संतों के विरोध में बांटे जाने वाले पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि संत आसाराम बापू जी को फंसाने में ईसाई मिशनरियों का हाथ, और ये ईसाई मिशनरियां भारी तादाद में वेटिकन सिटी से लाए गए पैसों से हिंदू संतों को बदनाम करवा रही और धर्मांतरण का खेल खेल रही। सुदर्शन न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल की रिपोर्ट। दरअसल लगातार जब जब आसाराम बापूजी को लेकर अलग अलग षड्यंत्र जो है रचे गए, उस दौरान सुदर्शन न्यूज ने उन तमाम चीजों का खुलासा भी किया, और उन तमाम चीजों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि अगर यहां पर आसाराम बापू जी को जमानत नहीं मिलती है या फिर उन्हें सजा दी जाती है, तो वो तमाम लोग जो धर्मांतरण का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी तरफ से इस षड्यंत्र को और तेजी से किया जाएगा। और वैसी ही स्थितियां एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से पर्चे बांटे जा रहे हैं और इस देश के अंदर भ्रामक जानकारी लोगों के बीच पहुंचाकर धर्मांतरण के खेल को और तेज करने की कोशिशें, साजिशें इस वक्त नजर आ रही हैं। योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। योगेश, सीधा आपके पास आ रहा हूं। किस तरीके का षड्यंत्र जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है? किस तरीके से जो है वो तमाम लोग जो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि ये सब हो और कोर्ट के अंदर उन तमाम साजिशों के तहत आसाराम बापू जी को एक दोषी जो है साबित कर दिया जाए और जेल की चार दीवारी में उन्हें कैद करवाया जाए, और उनका वो तमाम खेल जो इससे पहले चल रहा था, जिस पर लगातार आसाराम बापू जी चोट पहुंचा रहे थे, वो किस तरीके से अब आगे फल फूल रहा है? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आसाराम बापू जी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसके बाद से ही जो मिशनरीज कम्युनिटी है, खासतौर पर जो धर्मांतरण का काम कराती है, उनका पहला निशाना खासतौर पर साधकों को चुना गया है। हमारे पास सुदर्शन न्यूज के पास में जो पॉम्पलेट आया हुआ है, उसमें साफ साफ उस पॉम्पलेट के माध्यम से मैसेज देने का प्रयास है कि अब आसाराम बापू जो है जेल में बंद है, अगर आप चाहें तो आप ईसाई बन सकते हैं। यानी कि एक तरह से बड़ा षड्यंत्र है कि जिस तरह से पहले भी हिंदू लोगों को, हिंदुओं की आस्था पे चोट करते हुए जिस तरह से धर्मांतरण का पूरा रैकेट पूरे देश में चल रहा था, तो उस पर अब आसाराम बापू के खिलाफ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जो मिशनरीज कम्युनिटी है, जो धर्मांतरण करने वाली संस्थाएं हैं, वो एक्टिव हो चुकी है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पूरी तरह से मिशनरीज हावी हो रहे हैं, और न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में जाकर के बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब आपके जो संत हैं, अब आपके जो भगवान है आसाराम बापू, वो फिलहाल जेल में बंद हो चुके हैं, अगर आप आना चाहें तो हमारा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, अगर आप चाहें आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस पूरे षड्यंत्र को साधक समझ रहे हैं, पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और देश वालों का कहना यह है कि पूरी साजिशों के खिलाफ में वो एक मंच पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और उनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो अपने स्तर का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा विषय आस्था का है, और उनकी श्रद्धा जो है आसाराम बापू के साथ थी,
है और आगे रहेगी। सुमित योगेश, क्योंकि लगातार जब जब ये पूरा मामला सामने आता रहा, जब जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती रही, तो सुदर्शन न्यूज ने खास तौर पर इस चीज का जिक्र किया कि इसके पीछे जो है एक षड्यंत्र है। लेकिन क्या उस बात को और बल नहीं मिलता है कि जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया जाता है, उसके बाद इस तरीके के पर्चे बांटे जाना, तो क्या ये बात पुख्ता होती हुई नजर नहीं आती है कि इसके पीछे आखिर कौन सा खेल चल रहा था? बिल्कुल आपने सही कहा सुमित, मैं आपको गौर कराना चाहूंगा कि सुदर्शन न्यूज जब भी हिंदू साधु संतों को बदनाम करने का पर्दाफाश करता है, जिस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी हिंदू साधु संतों के खिलाफ में साजिश रचती है, सुदर्शन न्यूज हर बार इस बात को लेकर इशारा करता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। अगर इस मामले की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है उसके तुरंत बाद ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब उनको ये पता चल जाता है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तो हमारे सामने विकल्प खुल जाता है। अगर हम चाहें तो संवेदनाओं के तौर पे, एक वैकल्पिक तौर पे हम लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जब चीजें हावी होती हैं तो सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम ऐसे मौके पर पहुंचती है। हमने भी कई साधकों से बात करने का प्रयास किया है, कई साधक हमारे ऑफिस आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो पूरी साजिश हो रही है, ये जो पूरा षड्यंत्र हो रहा है, उस पे हम पानी फेरने वाले हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो ऐसे साधु संतों को बदनाम करते हैं और उसके बाद अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनके हाथ को पीछे कर दिया जाएगा, उनके गले पर हाथ धर दिया जाएगा, और हम हिंदू साधु के संतों के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं साधकों को लेकर इस बात का डर भी था कि हो सकता है अगर ऐसे कोई फैसले आते हैं तो इस तरह के असामाजिक तत्व जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। आखिर हुआ ये वही, और जिस तरह सुदर्शन न्यूज लगातार कहता रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है, अब इन रैकेट को भी चुनौती दिया जा रहा है और साधक ये मान रहे हैं कि हम इस फैसले का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन जो रैकेट काम कर रहे हैं हम उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुमित योगेश, क्योंकि बार बार इसी चीज का जिक्र होना ही काफी महत्वपूर्ण है और उन तमाम चीजों का एक एक चीज निकलकर सामने भी आना, क्योंकि परत दर परत इन तमाम चीजों के खुलासे, और खासकर जिस दिन आशाराम बापू जी को सजा का ऐलान जो है कोर्ट की तरफ से किया गया, उस दिन भी हमने, चाहे वो साधक हों या फिर समर्थक हों, उन तमाम चीजों की पड़ताल सुदर्शन न्यूज में की थी। और ये जो तमाम साधक हैं उनके या फिर जो भक्त हैं, वो इसको बताते आए हैं कि आखिर इस पूरी साजिश को कब से शुरू किया गया था और कैसे वो तमाम लोग धर्मांतरण जो कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए एक खास तौर पर मुहिम जो है आसाराम बापू जी की तरफ से चलाई जा रही थी, जो एक महत्वपूर्ण कारण इस पूरे षड्यंत्र के पीछे नजर भी आता है और जो हाल फिलहाल में घटना हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पर्चे बांटे जा रहे हैं या जिसकी जानकारी लगातार सामने आ रही है, आखिर किन लोगों को इसमें खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है? देखिए सुमित, मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पॉम्पलेट सामने आया है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी तकरीबन एक महीना पहले की बात है, रायपुर से लगे हुए गांव टेमरी में कुछ लड़कियां पहुंचती हैं, वहां पे धर्मांतरण करने की साजिश रचती हैं, वहां पे साधक पहुंचते हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं और सब एक सुर में ये कहते हैं कि लड़कियां कहां से आई थी, लड़कियों को किन्होंने भेजा था। उसके बाद पता ये चलता है कि जो मिशनरीज कम्युनिटी है, जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, वो इन लड़कियों को भेजे हुए थे, उनकी पूरी साजिश चल रही थी। तो अगर इस हम मामले की बात करें, इस मामले में भी पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और पूरे प्लानिंग के साथ में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास ये लोग पहुंचे, उनके पास जाकर ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि आशाराम बापू दोषी है और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो आप चाहे तो हमारे पास आ सकते हैं। कुल मिलाकर के एक तरह से मानसिक प्रताड़ना भी सकते हैं। एक बार फिर से ऐसा परसेप्शन जो है क्रिएट किया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो आस्था रखते हैं आशाराम बापू जी में और लगातार उनकी तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही थी, उन तमाम लोगों पर चोट की जा रही थी जो कुछ खास लोगों पर चोट करने की कोशिश करते हैं, उनका धर्मांतरण जो है करवाने की कोशिश करते हैं और पूरी जो साजिश इसके पीछे रची जा रही थी। हमारे साथ हीरालाल साहू साहब हैं जो साधक हैं, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। योगेश आप बने रहे हैं हमारे साथ, हीरालाल साहब स्वागत है आपका। और हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर बार बार बात की है और ये चीज बार बार हमारे सामने आई है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर, दरअसल उनका यह कहना होता है कि धर्मांतरण का एक जो खेल है वो पूरे तरीके से खेला जा रहा है और उस पर चोट लगातार, और खासकर मिशनरियों का यहां पर जिक्र किया गया कि जो खासकर मिशनरी हैं वो इसको अंजाम दे रहे हैं और उस पर जो चोट आसाराम बापू जी ने की, उसके बाद इस पूरे खेल को, उस पूरे षड्यंत्र को रच दिया गया। हीरालाल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। हीरालाल जी जानना चाहेंगे आपसे, आखिर लगातार
जिस तरीके से हमने बात की है, आसाराम बापू जी के जो समर्थक हैं या जो तमाम लोग हैं उनके साधक हैं, वो बार बार इस चीज को खास तौर पर मेंशन करते हैं कि मिशनरी जिस धर्मांतरण के खेल को चला रहे थे उस पर उन्होंने चोट की, और अब ये पर्चे बांटे जाना, ये तमाम चीजें सामने आना, क्या ये उसको पुख्ता नहीं करता है? देखो थोड़ा अच्छे से, गांव गांव गली गली घूम घूम के, मतलब 50 सालों में जिन लोगों को इन्होंने जगाया है आज वो ऐसे कट्टर हिंदू बन चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में अपने धर्म पर नहीं कर सकते। और बापू जी का प्रोग्राम जहां जहां हो रहा था पूरे भारत के कोने कोने में, वहां पर उनका एक प्रोग्राम हो रहा था दीक्षा का, दीक्षा के माध्यम से एक बार में एक प्रोग्राम में कम से कम 10 से 15 हजार नए लोग जुड़ रहे थे, और ये बात उन लोगों के लिए बहुत दुखद था। और बापू जी जिस तरह से समाज में लोगों को जगा रहे थे, धर्म के प्रति लोगों को जो जगाना चाहिए, एक धर्म की शिक्षा भी देना चाहिए तो दे रहे थे, तो ये धर्मांतरण वालों की नजर में एक बहुत बड़ा एक कांटा बना हुआ था। और ये बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे बापू जी को अंदर डालने का, और उन्होंने सफल हो गए हैं। लेकिन ये बात तो है, अभी जो बाबू जी अंदर है लेकिन उनके साधक अभी भी लगे हुए हैं, ये अभी भी समाज में जा जाकर लोगों को बता रहे हैं कि वास्तविक में बाबू जी हीरालाल जी, ये जो पूरा षड्यंत्र है ये आखिर कहां तक फैला हुआ है? क्योंकि जैसे ही फैसला कोर्ट की तरफ से आता है तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और पर्चे बांटे जाने शुरू हो जाते हैं, और खास तौर पर उसमें लिखा जाता है, बताया जाता है कि आसाराम बापूजी जो हैं उन्हें जेल हो चुकी है और इसके बाद अब तमाम लोग जो हैं वो ईसाई बन जाएं। तो ये कहां तक फैला हुआ है, इनकी जड़ें कहां तक हैं? जैसे मैं आपको बता जाऊंगा, हिंदू धर्म संस्कृति का कंठ एक आधार स्तंभ है और उन्हीं के द्वारा ही धर्म का प्रचार होता है, तो सबसे इनका मेन लक्ष्य होता है संत को, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग समुदाय के लोग हैं और हर समुदाय के लोग किसी ना किसी संत से जुड़े हैं जहां से उनकी धर्म की शिक्षा मिलती है, और संतों को बदनाम करने से कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था है अपनी धर्म संस्कृति में ये कम हो जाती है, और वो धीरे से वो फिर धर्म संस्कृति छोड़ो, जो मिलो खाओ वो पियो, ऐसा है। अच्छा, आप बोले थे कि मिशनरी, ये मिशनरियों का एक, आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग इनका ही राज चलता है, और ये चाहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को अपन एक मिशनरी में बदल दें, और भारत ही अभी तक एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है, तो इनका भी पूरा लक्ष्य भारत के ऊपर है कि भारत को जैसे भी हो हर हाल में इनको अपन किस्तर बदल दें। बहुत शुक्रिया हीरालाल साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और जिस बात का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी हालत में उन्हें सफल नहीं होने देंगे इन षड्यंत्रकारियों को, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी ही यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए, और ये तमाम षड्यंत्रकारी जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अपने स्तर पर भी आप लोग कोशिश करते रहिए। हमारे साथ कोमल बल्होत्रा जुड़ रही है, साधक हैं। कोमल, आपका स्वागत कर रहा हूँ सुदर्शन न्यूज में, और हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं क्योंकि इसको हमने लगातार जब जब बात की है तब तब इस चीज का जिक्र आया है कि आखिर ये जो शुरुआत है ये तब से हो जाती है जब ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खेल पर आसाराम बापू जी ने चोट की थी, और अभी अब तो खुले तौर पर पर्चे बांटे जा रहे हैं कि आसाराम बापू को जो है जेल हो गई है और जो तमाम लोग हैं वो अब ईसाई बन जाएं, और इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही किंग है, वो है भगवान यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज चैनल का ये मुद्दा उठाने के लिए, और बताना चाहती हूँ कि जो चीज है, कोई भी धर्म अगर अपने आप को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो हो चाहे वो हिंदू धर्म हो, अगर कोई ऐसा वर्डिक्ट आता भी है तो एक धर्म को आप धर्म को ऊपर उठाएं, ये जो है एक रिस्पेक्टेबिलिटी जो नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। अगर अगर आप बोलते हैं कि एक मुद्दे को आप कम्युनलाइज मत करिए, तो अगर एक आदमी को जो है सजा हुई है तो आप हिंदू गंदे संतों को क्यों लगाया जा रहा है नाम आगे, ये सोचने का विषय। साथ ही साथ ये बात बहुत बहुत ज्यादा समझने की हमें जरूरत है, इसलिए अगर एक धर्म को अपने आप को बढ़ाना है तो अपने पैरों पे बढ़ाए ना, तब दूसरे धर्म की निंदा और अपने धर्म को आगे बढ़ाना और इस तरह से पर्चे बांटना क्यों नहीं, जो है बड़े बड़े ह्यूमन
एक्टिविस्ट आगे आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि इस तरह से क्या हिंदू धर्म क्या सिर्फ आसाराम बापू ने लिखा था, क्या सनातन संस्कृति सिर्फ आसाराम बापू का ही ठीकड़ा है? हिंदू सनातन संस्कृति जो है, हिंदू धर्म जो है, वो हमारा पुरुषों से चलता आ रहा है कई सालों से। सनातन धर्म तो पैदा ही नहीं हुआ ये बोला जाता है, सनातन धर्म तो इंसान उन्नत किया जाता है, क्रिश्चियन को हमें क्रिश्चियन ईसाई बनाया जाता है, पर हमारे लिए बड़ी गर्व की हिंदू पैदा होता है तो वो जन्म से हिंदू पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ी समझने की बहुत बड़ा टारगेट है। मैं आपके सामने समक्ष रखती हूँ कुछ आंकड़े। ये जो पूरा का पूरा हायरार्की होती है, कैथोलिक जो चर्चेज होते हैं इनकी हायरार्की मैं आपको समझाती हूँ। सबसे ऊपर है, उसके बाद आर्चबिशप होता है, उसके बाद बिशप होता है, उसके बाद क्लर्जी होता है और होता है। ये पूरे पूरे वेटिकन सिटीज जो है ये इस तरह से चलाई हुई है मिशनरीज। हर जगह अपने प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट जो है क्लर्जी को बताता है, क्लर्जी बिशप को बताता है। यानी बिल्कुल ये बहुत बहुत गहरा विषय है कोमल, और बिल्कुल जिस तरीके से आपने इसका जिक्र यहाँ पर किया है, महत्वपूर्ण यह है कि आखिर क्या इन तमाम चीजों को खासतौर पर पैम्फलेट के जरिए मेंशन करना इस पूरे षड्यंत्र का वो हिस्सा नहीं है जिसका बार बार जिक्र हुआ कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे आसाराम बापूजी को जेल करवाने के पीछे आखिर जो हाथ है वो किसका है? हमारे साथ उमेश जी जुड़ रहे हैं वीएचपी की तरफ से। उमेश जी, क्योंकि बिल्कुल नहीं, कोमल मैं आ रहा हूं आपके पास। उमेश जी हमारे साथ हैं, मैं आपको वक्त दूंगा यहां पर। उमेश जी हमारे साथ हैं यहां पर वीएचपी की तरफ से। उमेश जी, क्योंकि हम बार बार धर्मांतरण के खेल से पर्दा उठता रहा है, बार बार चीजें जो है वो सामने आती रही हैं, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, अब बकायदा उसको मेंशन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब उस तमाम चीजों को छोड़ दीजिए और उसके बाद आप आ जाइए यहां, ईसाई धर्म को अपना लीजिए, सनातन धर्म को बदनाम करने का पूरा जो पूरा खेल है वो अब परवान चढ़ रहा है, मौका मिल गया है। हेलो जी, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जिस तरह से बापू को फंसाया गया, जो कोई प्लानिंग, जो स्लीपर सेल, मैं कहता हूँ स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया इसमें, जो पूरा कन्वेंस हुए, कन्वेंस करके बापू को टारगेट, बापू का जो प्रचार प्रसार था उन ग्रामीणों में था जो बहुत असहाय थे और जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, और ईसाई मिस्त्री को लगा कि ये ग्रामीण हमसे छूट के बापू की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनके सेवा कार्य से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उनको प्री प्लान स्लीपर सेल बनाया गया और उस तरीके से प्री प्लान करके उनको फंसाया गया। और ऐसा ही नहीं, छत्तीसगढ़ की स्थिति बताऊं, छत्तीसगढ़ में बापू के बड़े अनन्य साधक ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी अंचलों में युद्ध स्तर पे काम कर रहे थे, पर बापू को फंसाने के बाद ईसाई मिस्त्री दुगनी गति से दुष्प्रचार करके आज उन्हीं साधकों को अपने में कन्वर्ट करने का, यानी उन्हें मौका मिल गया है, यानी उन्हें मौका मिल गया है कि वो शख्स जो लगातार उनके जो षड्यंत्र को, जो पूरा गंदा खेल जो चल रहा था, जो उस पर चोट पहुंचा रहा था, उसके बाद उन्हें एक मौका मिला है कि अब वो उसी के खिलाफ दुष्प्रचार यहां पर कर रहे हैं। योगेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या इसकी जानकारी प्रशासन के पास नहीं पहुंच रही है कि क्या इस तरीके का दुष्प्रचार जो है किया जाना चाहिए? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये पूरा पॉम्पलेट हमारे पास आया है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा अभी जो है पॉम्पलेट चल रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया अभी तक किसी भी मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आई है। अब हो सकता है, जैसा कि हर बार हम करते हैं, सुदर्शन न्यूज जब जब बताता है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए बड़ी साजिशें हो रही है, प्रशासन को हम बार बार जगाने का प्रयास करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जिस तरह पॉम्पलेट के द्वारा साजिश रची जा रही है उसके अब खुलासा होने के बाद से प्रशासन की नींद अब टूटेगी। बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट इन लोगों की तरफ से ढूंढा जाता है, कोमल कितना असर जो है हो रहा था आसाराम बापूजी की तरफ से, जिन लोगों को रोका जा रहा था, और मतलब कितना बड़ा वो आघात उन लोगों के षड्यंत्र पर कर रहे थे जिसके बाद इतने बड़े षड्यंत्र को रचा गया। बिल्कुल, देखिए पूरी प्लानिंग नहीं, योगेश आरो, मैं कोमल से जानना चाह रहा हूं इस पर, ये पूरा षड्यंत्र जो है ये किस तरह से बना कल से दिखाया जा रहा है। सिर्फ ये पैम्फलेट ही इशू नहीं है, मैं काफी न्यूज चैनल्स भी देख रही थी, तो इंडिया न्यूज हो चाहे न्यूज नेशन हो, काफी चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि अभी तक आपको जो शिष्य हैं उनकी वर्डिक्ट ली जा रही है कि अब आप ऐसे ढोंगी को ऐसे बलात्कार मानेंगे अपना गुरु, तो वो तो उनकी श्रद्धा है। एक निचली अदालत से हम मानते हैं, हमारे लिए फैसला में नहीं आया है, तो हमारी अदालत ही हमें हक देती है, सिटीजन ऑफ राइट देती है कि हम दूसरी अदालत में जाएं, और हम जाएंगे, पर उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अभी भी आप क्यों मानते हैं, छोड़ दीजिए। अरे भारत जो देश है वह भगवानों का, संतों का अवतरण देश है, बार बार में होते हैं, और आप उन्हीं के इमोशंस को टारगेट हो रहा है, सॉफ्ट टारगेट हो रहा है। तो ये कल बार बार जो है बड़े बड़े एडिटर्स आके कह रहे हैं कर्म में विश्वास रखो, कुछ नहीं होता, प्राप्ति छोड़ दो ऐसे संतों को। हिंदुओं की अगर है तो श्रद्धा अंधश्रद्धा है, लेकिन और धर्म का कैंडल मार्च हो या कुछ हो तो वो अंधश्रद्धा नहीं है। तो ये क्यों हमारे
एकदम में मैं, परंतु फिर भी मैं बोला चाहूंगी जो जो लोग जो है इस तरह से हिंदू धर्म को टारगेट है तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, जो सनातन ना मिटा रावण की ललकार से, सनातन ना मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन ना मिटा संत की हुंकार से, सनातन क्या मिटेगा आज के इन दुष्प्रचारों से। आसाराम बापू ने हर तरफ हर जगह से, चाहे वो आप कहें मातृ पितृ पूजन दिवन जैसे संस्कार हो, हत्या हो, हमेशा बापू ने इसका पुरजोर विरोध किया है और उनको 25 अप्रैल का ही इंतजार सिटीज को इन धर्म परिवर्तन करने वालों को, जैसे ये फैसला आया एक दिन का भी इंतजार एंकर सर, एक दिन का भी, विद इन थ्री डेज ये स्टार्ट हो चुकी है इस तरह से सर्कुलेट करने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में इस तरह दिखाना कि आज हिंदू जो है अंधश्रद्धा, आप किसी श्रद्धा को अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हैं जी, जी बिल्कुल यही ये, ये ये जो दुष्प्रचार है ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है इस पर खड़ा कर रहा है। उमेश जी आपके पास आ रहा हूं, अपने स्तर पर आप लोग अब किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और प्रशासन जो इस वक्त गूंगा बहरा होकर बैठा हुआ है उस तक आप लोगों की आवाज कैसे पहुंचेगी, कैसे ये पूरा खेल रुकेगा? एक एक साधक, एक एक साधक तक जो बापू जी जुड़े हुए हैं उनके पास जाकर उनको समझा रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं और जितना हो सकता है सोशल मीडिया का, जैसे सोशल मीडिया का दुष्प्रचार के लिए उपयोग कर रहे हैं वैसे सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल भी प्रामाणिकता के साथ शेयर कर रहे हैं और जितना हो सकता है कानूनी प्रक्रिया से भी हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, पिटीशन जैसे यहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जो निस्तरी का काम, निस्तरी लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो हमने अभी हाल ही में टेमनी में ईसाई मिश्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि वो हमारे संतों के खिलाफ में आखिर बापू के साधक के यहाँ जाके वो धर्मांतरण कर रहे थे, तो तत्काल हमने उसमें उन्होंने भगवान श्री राम पर आलोचना की, भगवान श्री कृष्ण पे आलोचना करी, उनको हमने कानूनी रूप से अंदर भी करवाया, धारा 395 के तहत उन्हें उनको अंदर भी करवाया, ऐसा भी हमको मौका मिला, तो हम भी डट कर उनका मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में ही ईसाई मिश्र बहुत बड़े स्तर में काम कर रही है, जहाँ बापू काम कर रहे जो रुका हुआ था वहां जाकर ईसाई मिश्रियां पूरी जोर दुष्प्रचार करके काम कर रही है, जो किस बात का है जी। कोमल जी शुरुआत जो हुई थी क्या ये इसी खेल से शुरुआत नहीं हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जिस गरीब आदिवासियों में जाकर, जहां जहां छोटे छोटे गांवों में जाकर आसाराम ने उनको अपने धर्म से जोड़े रखा, उनको वो, क्योंकि बापू मानते हैं कि जब हमें मूलभूत जरूरतें पूरे नहीं होती तब आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होता है, तो पहले मूलभूत प्रवृत्तियों को पूरा किया और बोला कि धर्म परिवर्तन के पास कभी मत जाना। अब जब बापू जी को टारगेट कर दिया गया है, जब षड्यंत्र बना दिया गया है और उस पर बिठा दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही जो है सुप्रचार रूप से जो है सक्रिय हो गई है। क्वेश्चन जो यहाँ पर उठ के खड़ा होता है, एक आसाराम बापू क्या राष्ट्रीय मुद्दा रह गए हैं? मैं बस एक हफ्ते से चैनल देख रही हूँ, 80 साल के संत को हो गई जेल, हो गए उनको बेल नहीं दी गई, उम्र कैद से ज्यादा क्या सजा लाओगे तुम? उम्र कैद दे दिया तो टीवी चैनल पे दिखाना, बैरक नंबर 130 है उनका, ड्रेस चेंज हो गया, खाना आसाराम ने रोते हुए खाया, अरे कोई और राष्ट्र मुद्दा नहीं रह गया है? 2019 के वो टारगेट मुद्दा नहीं है, हमारा बॉर्डर मुद्दा नहीं है, बिल्कुल यानी जो ये बायस तरीके से लोगों को दुष्प्रचार के तहत भड़काना, उन्हें बताना कि आखिर वो कितने गलत धर्म के अंदर है, क्या ये सवाल जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर गौर किया जाए कि कैसे षड्यंत्र को इस पूरे मामले के साथ साथ जोड़कर सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, संत आसाराम बापू जी को बदनाम करने की पूरी तरीके से जो षड्यंत्र है वो चल रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नजर आती है वो कि आखिर जैसे ही इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त हुई जब संत आसाराम बापू जी इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, इस पर क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है? बहुत शुक्रिया आप तो सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, योगेश बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, हमारी इस खास पेशकश में खबरें जा रही है, बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।